स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं साक्षी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं पीपीआई मीन्स क्वालिटी प्लस ट्रस्ट। हर साल हमारे पेड कोर्स और यूट्यूब से तैयारी कर बहुत सारे बच्चों को पैरामेडिकल कोर्सेज में गवर्नमेंट सीट अलॉट होता आ रहा है। तो इस साल आपकी बारी है। चलिए आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के इम्पॉर्टेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर साल इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे पैरामेडिकल एग्ज़ाम में। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से समझें और सॉल्व करें। और हाँ, अगर इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज के इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीपीआई ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा सेशन होगा गाइस, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हमारा सेशन चलेगा 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने का बेनिफिट आप लोग ऑलरेडी देख रहे हो। इतने सेशंस चले हैं लाइव क्लास के पीपीआई ट्यूटोरियल, जो हमारे चैनल का नाम है, उसके थ्रू आप लोगों को रोज़ प्रैक्टिस सेशन करवाया जाता है। 7 बजे आप लोगों को रोज़ प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश के पेपर्स हो, चाहे वो साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जो कि प्रीवियस ईयर है। और आप लोग ये अच्छे से जान रहे हो कि जब तक आप लोगों ने तैयारी, आप लोगों ने बहुत बेस्ट तैयारी की हो और आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया हो, तो कहीं ना कहीं तैयारी में कोई कसर तो छूट जाएगी। अब एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है, अब तो हमारा फॉर्म वगैरह भी जल्द ही आ जाएगा। उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, आप लोगों ने जितनी भी थ्योरीज कंप्लीट की है अब आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि क्वेश्चंस को जब तक आप सॉल्व करोगे ना, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप होगा ना, उसके बाद आप अच्छा फील करोगे कि हाँ, मैंने 450 मार्क्स में 400 गेन किया है और यहाँ मेरी गलती हो रही है। तो आप लोग हमेशा से, आप लोग भी हमारे स्टूडेंट्स, जो जितने भी पीपीआई ट्यूटोरियल के स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि आज का जो हमारा लाइव सेशन है 2019 के पेपर को सॉल्व करने वाला, इस सेशन को पहले आप सब लोग लाइक कर दो। और पूरे स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये सेशन जो है आप लोग प्लीज़ शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को और बेस्ट कर सके। बेस्ट इन द सेंस, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्या करवाया जा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो कौन कौन से आज मेरे स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है आज के इस इंग्लिश के धमाकेदार सेशन को करने के लिए। चलो फटाफट से आप लोग एक थम्सअप का साइन करो कि हाँ, आप लोग आज के क्लास के लिए आप लोग बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो। चलो फास्ट स्टूडेंट्स। और सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है, जो भी समझना है समझ लो। आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, हमारे चैनल के सारे टीचर्स इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी एक सेशन को लाइक करोगे और एक शेयर वाला जो ऑप्शन है, आप लोग सारे फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, उन तक ये पैरामेडिकल वाला इम्पॉर्टेंट सीरीज जो चल रहा है हमारा पीपीआई ट्यूटोरियल के थ्रू, तो आप लोग वहाँ तक पहुँचा दो सारे स्टूडेंट्स तक, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को बेस्ट कर सके। चलो कौन कौन से स्टूडेंट्स आज रेडी हो रखे हो फटाफट से आंसर्स करने के लिए, कौन कौन से स्टूडेंट्स? हाँ, आज का जो हमारा सेशन होगा 2019, क्योंकि आप लोग देख रहे हो 2012 से हमने स्टार्ट किया, 13 का पेपर सॉल्व किया, 14 को किया, 15 का किया, 16 का किया, 17 का किया, 18 का किया। अब आज जो हमारा इम्पोर्टेंट सेशन होगा वो 19 का पेपर होगा, और इसके बाद हमारा सेशन आएगा 2020 का, 2021 का और 2022 का। ये 3 सेशंस और आएंगे, उसके बाद आप लोग का मोस्ट गेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लाया जाएगा, जिसमें कि आप लोग को जो इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आर्टिकल्स को लेकर, वर्ब को लेकर, एडवर्ब को लेकर, वो सारे पॉइंट्स मैं उसमें इंक्लूड करूँगी और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
कौन कौन से स्टूडेंट्स मेरे आज एकदम परफेक्टली रेडी हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स 10 में से आज हमारा जो है क्वेश्चन 10 ही है, लेकिन इस 10 क्वेश्चन के थ्रू आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसकी वजह से क्या पता एग्जाम में उसी के टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो 10 में से 9 सही करने वाले कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? 10 में से 9 आंसर सही करने वाले कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं फास्टली कमेंट करो, चैट बॉक्स में आप लोग अपना रिप्लाई करो। क्यों 10 में से 10 नहीं आएगा क्या आप लोग का? आएगा ना, तो 10 out of 10 आएगा, 10 out of 9 का भी ऑप्शन नहीं है। इतने पेपर सॉल्व किए हो ना तो कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ 10 में से 10 सही होगा हमारा, 15 जो भी क्वेश्चन है जो आज के सेशन में है वो सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। और मैं लास्ट में आप लोग से आपके मार्क्स भी पूछूंगी कि और आप लोग को उसमें अपना चैट बॉक्स में राइट नंबर बताना है कि हाँ आप लोगों के इतने क्वेश्चंस जो है 5 क्वेश्चन सही हुए, 6 क्वेश्चन सही हुए। मैं नहीं समझती कि आप लोग को उतना 5-6 तो होगा, आई थिंक 9 या 10 क्वेश्चन आप लोग के अप्रॉक्स सही ही होंगे। इतना मुझे अपनी भी पढ़ाने के स्टाइल पर भी वो है, प्राउड है कि इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हो, कुछ तो कॉन्फिडेंस आया होगा। कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करती हूँ ताकि ऐसा सेम क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आए तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस को याद नहीं करो, बस उस ट्रिक के थ्रू आप लोग माइंड लगाओ और अपना आंसर कंप्लीट करो। ओके, तो चलो आज के सेशन को फटाफट से सब लोग लाइक करो और अब मैं इसी के साथ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूँगी। और जो भी स्टूडेंट्स पैरामेडिकल के आज जो हमारा सेशन चल रहा है उसके उस पर न्यू है, उन्हें ये मैं बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल के थ्रू आप लोग का पेड कोर्स भी चलता है। आप लोग अभी भी अगर पेड कोर्स नहीं परचेज किए हो तो प्लीज़ परचेज करो, थ्योरीज बहुत सारी है, थ्योरीज तुरंत कंप्लीट भी हो जाएगी अगर आप मन से तैयारी कर लेते हो तो। ठीक है, आप लोग फटाफट से कोर्स को परचेज करो, बाकी लिंक वगैरह और जितना भी है आपको सारे डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएंगे। ओके, चलिए यहाँ रिजल्ट्स के लिए भी कोई टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता आ रहा है और ये सारे प्रूफ्स हैं, सारे स्टूडेंट्स पिक्चर्स भेजते हैं जब उनका रिजल्ट होता है तो वो अपने रिजल्ट्स का वो भेजते हैं कि अलॉटमेंट लेटर में उन्हें कौन सा कॉलेज मिला है, तो ये सारे चीज़ प्रूव्ड है। सो आप लोग समझ जाओ कि अगर आप भी चाहते हो कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग को अभी सीट अलॉटेड रहे तो प्लीज़ तैयारी को और अपनी बेस्ट करो ताकि आप लोग को हम लोग बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लोग भी बेस्ट रिजल्ट हमें दो कि हाँ आप लोग के थ्रू पढ़ाऊँ तो रिजल्ट बहुत बेस्ट आया है। चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। ठीक है, चलो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ब। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसा स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आप लोग अभी तक नहीं सॉल्व कर पाए हो तो चलो 71 क्वेश्चन को स्क्रीन पे आ गया है सब सारे स्टूडेंट्स के, तो अब आप लोग को बताना है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सा है, विच वन इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ब। ऑप्शन ए लुक, ऑप्शन बी फियर, ऑप्शन सी स्पेंड और ऑप्शन डी कैच। चलिए मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया है, अब आप लोग को फटाफट से राइट आंसर करना है। विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ब? ऑप्शन ए लुक, ऑप्शन बी फियर, ऑप्शन सी स्पेंड और ऑप्शन डी कैच। चलिए स्टूडेंट्स फास्टली रिप्लाई करेंगे, बहुत इजी है आंसर, लाइव चैट बॉक्स में आप लोग लाइव आंसर कीजिए। मैं आप लोगों और किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज़ पैनिक मत हो, प्लीज़ एंजाइटी में मत आओ। देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगी ना तब आप लोग सॉल्यूशन को अच्छे से देखना, ऐसे आप लोग उसके बाद इस पेपर को फिर से सॉल्व करना, तब देखो आपका सॉल्व होता है। और इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चंस और करवाऊंगी ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, चलो फास्टली अब क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे स्क्रीन के ऊपर है उसका जल्दी से आंसर कर दो आप लोग फास्टली स्टूडेंट्स, बताओ 71 का राइट आंसर क्या होगा। विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ब? ऑप्शन ए लुक, ऑप्शन बी फियर, ऑप्शन सी स्पेंड एंड ऑप्शन डी कैच। ऑप्शन ए लुक, ऑप्शन बी फियर, ऑप्शन सी स्पेंड, ऑप्शन डी कैच। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं,
अगर उन्हें रियली कॉन्सेप्ट मालूम है तो ये क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग वर्ब की बात की जा रही है। तो स्ट्रॉन्ग क्या वो वेट में स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, उसका एक अलग ट्रिक है। तो ये ट्रिक आप लोग सीख जाओगे ना, तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब को जो सेपरेट करने वाली बात आती है ना, तो आप लोग क्लासीफाई अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्ब जब पूछ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्ब पूछ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग वर्ब देखो हम लोग इसका कौन कौन से आंसर्स, देखो मैं पहले आंसर सही बता देती हूँ कि आंसर्स कौन सा किस किस स्टूडेंट्स ने आंसर सही किया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन डी, कैच जो है ये राइट आंसर है, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स ने कैच आंसर किया वो उनका आंसर सही है, और बाकी स्टूडेंट्स जो स्पेंड को कर रहे हो तो ये सब आंसर्स गलत है, ठीक है। फियर भी नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर आपका गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर कैच कैसे हुआ ये मैं सिखा रही हूँ, इसे अच्छे से सुनना। जिनकी भी इस क्वेश्चंस में गलती हुई है ना, वो इस चीज़ को समझना कि गलती कहाँ हुई हमसे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्ब, तो मैं अगर बोलूँ स्ट्रॉन्ग वर्ब किसे बोलते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग वर्ब देखो, अगर मैं इसका आपसे भीटू पूछूँ तो आप क्या बोलोगे, लुक्ड बोलोगे, ठीक है। इसका भीटू पूछूँ तो क्या बोलोगे, फियर्ड बोलोगे, और स्पेंड का पूछूं तो स्पेंड बोलोगे, स्पेंडेड भी बोलते हैं और स्पेंट भी बोलते हैं, दोनों होगा, ठीक है। और इसका पूछूं तो क्या बोलोगे, काउट, सी ए यू जी एच टी। अब ये बताओ सारे में ई डी लगा और ये थोड़ा सा अलग भी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप ये देखो ना कि यहाँ पर आपका क्या हुआ, कैच का आंसर, यहाँ पे चेंज हो गया, हमारा पूरा का पूरा सेंस ही चेंज हो गया। सो जहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब, तो यहाँ पर इसका भीटू एकदम पूरी तरह से चेंज हो रखा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे काउट हो रहा है राइट आंसर हमारा। तो ये हमारा ये सेंस दे रहा है कि हाँ, जो अलग थोड़ा भीटू हो जाए तो उसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल में जब, यानी कि भीटू में जिसका चेंज हो जाता है पूरी तरह से फॉर्म, उसे ही हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं, ठीक है। लुक्ड में ईडी लगा दिए बन गया, फियर्ड लगा दिए बन गया, ये भी बन गया, लेकिन कैच में कैच्ड बोलते हैं कभी नहीं, ये चीज़ होता है काउट, ठीक है। तो ये हुआ आपका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 71 तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब मैं आप लोग से पूछती हूँ कि क्या एक और ऑप्शंस दे रही हूँ आप लोग को बताना है, ऐसा सेम क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग वर्ब को लेकर, क्वेश्चन सेम है, स्ट्रॉन्ग वर्ब बताना है स्टूडेंट्स। जिस भी स्टूडेंट्स का गलत हुआ था, अब उनके लिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें सारे स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऐड, आपका सेकेंड ऑप्शन है कॉल, आपका थर्ड ऑप्शन है, जस्ट अ सेकेंड गाइज, ब्रेक, और आपका फोर्थ ऑप्शन है, ऑप्शन डी है आपका, अर्न। अब आप लोग को क्वेश्चन मैंने शो कर दिया, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ब, आप लोग को स्ट्रॉन्ग वर्ब वाला क्वेश्चन ही दी हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब आप लोग को सेलेक्ट करना है। अब आप लोग बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 71। जो भी स्टूडेंट सही आंसर्स कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैं समझ रही हूँ आप लोग कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ चुके हो, बहुत अच्छी बात। कुछ स्टूडेंट्स बाकी हैं, चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फास्ट आंसर कीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर सके। कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है तो आंसर एकदम फास्ट आना चाहिए। और सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है सेशन को पूरी तरह शेयर कर दो ताकि सारे स्टूडेंट्स आ जाए, तो यहाँ पर हमारा ऑनलाइन माहौल जो है ऑफलाइन में बदल जाएगा, इतना कॉम्पिटिटिव माहौल हो जाएगा, कौन फास्ट आंसर्स करते हैं। चलिए ऑप्शन ए आपका ऐड, ऑप्शन बी कॉल, ऑप्शन सी ब्रेक, ऑप्शन डी अर्न। ऑप्शंस मैंने रीड कर दिए हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब बताना है। क्वेश्चंस के मैंने ऑप्शंस रीड कर दिए हैं, विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ब, ऑप्शन ए ऐड, ऑप्शन बी कॉल, ऑप्शन सी ब्रेक,
ऑप्शन डी अर्न। बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब मैं इसे सॉल्व करके बता दूं कि कैसे। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऐड। तो ऐड को जब हम ये भी टू बनाएंगे तो क्या लिखोगे आप, ये बताओ, एडेड होगा क्या, एडेड ये राइट आंसर होगा इसका, भी टू पार्ट पास्ट पार्टिसिपल में। बिल्कुल सही। अब है इसके बाद हमारा बोल रहा है कॉल, तो कॉल का क्या होगा, कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। ओके, तो क्या कॉल्ड जो है इसका हमारा भी टू होगा, कॉल का भी टू ईडी से बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो ये भी हमारा इसमें स्ट्रॉन्ग वर्ब ये भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग वर्ब ये भी नहीं होगा। चलो अब हम लोग जस्ट अ सेकेंड गाइस, और हमारा थर्ड ऑप्शन क्या था, ऑप्शन सी था हमारा ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक का देखना है, तो ब्रेक का हम क्या हम लिखते हैं, ब्रोक, ठीक है। अभी मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ। ऑप्शन डी था हमारा अर्न, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने लिखा अर्न, ठीक है। ये तो ये बताओ, ऑप्शन ए नहीं हुआ, ऑप्शन बी नहीं हुआ, ऑप्शन सी, क्या आपको लगता है ऑप्शन सी होगा, क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ब्रेक का ब्रोक, ये पूरी तरह से चेंज, यहाँ तो ईडी से नहीं बन रहा है, तो यहाँ अर्न है और यहाँ भी ईडी से सॉल्व हो गया, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, तो वो हो जाएगा ब्रेक का ब्रोक। क्यों हुआ, रीज़न मैंने आप लोग को अच्छे से क्लियर किया है कि रीज़न क्या होगा, ठीक है। और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया, इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन सी राइट आंसर है, और इस 71 वाले क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन डी कैच, बिकॉज काउट होगा इसका पास्ट पार्टिसिपल, तो ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ अपने डाउट को चैट बॉक्स में जल्दी से आस्क योर डाउट्स, प्लीज़ आस्क योर डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं उसे पूछ लो भाई, क्या इस क्वेश्चन में आप लोग को जरा सा भी कोई डाउट है स्ट्रॉन्ग वर्ब वाले पॉइंट में, क्या स्ट्रॉन्ग वर्ब को क्लासिफाई करने आएगा तो आप लोग कर लोगे अच्छे से। चलिए तो क्या हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, स्टूडेंट्स रिप्लाई कीजिए फास्ट, क्या हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। ओके, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, अब भी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज टू लव, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज टू लव, ये हमारा 72 क्वेश्चन है, जो कि आज के डे का हमारा आज के लाइव क्लास का सेकेंड क्वेश्चन है। तो देखते हैं, ऑप्शन वी फर्स्ट है वीक, यानी ये वीक वर्ब है, ऐसे सेंस है। ऑप्शन बी है फिनाइट, ऑप्शन सी है इन्फिनाइटिव, ऑप्शन डी है ऑक्सिलरी। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, वीक वर्ब होगा, फिनाइट वर्ब होगा, इन्फिनिटिव वर्ब होगा, या हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा। What kind of verb is to love? कुछ स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर कर दिया है, बिल्कुल सही है उनका आंसर। मैं देखना चाहती हूँ कि इस वाले क्वेश्चंस में कौन कौन से स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आप लोगों ने बहुत स्टूडेंट्स ने बहुत सही आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 72 का आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है, क्यों, क्योंकि लव, हम अभी मैंने बताया कि लव जो है आराम से, सॉरी जस्ट एन सेकेंड, लव को हम लोग लव्ड कर सकते हैं, तो ये एक हमारा वीक वर्ब है ना। अभी हम लोगों ने सीखा कि वीक वर्ब क्या होते हैं, आप लोगों को मैंने सिखाया, जिसमें ईडी वगैरह से हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ना कि
ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 72 सॉल्व हमने किया और इसका राइट आंसर हमारा हमें मिल गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। अब है टू लव कौन सा वर्ब है, तो ये है हमारा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर आप लोग लिख लो ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि आप लोग को मैंने रीज़न भी अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग अपने इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहे हैं कि भाई फिनाइट वर्ब क्या होता है। तो देखो अगर हम लोग बात करें वर्ब में ही आए हैं तो थोड़ा सीख लेते हैं ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लें। फिनाइट वर्ब हम लोग कहते हैं मेन वर्ब को। ठीक है, मेन वर्ब को हम लोग फिनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, जो हमारा सेंटेंस में, जो हमारा किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ड होता है, मेन वर्ब होता है, उसी को हम लोग फिनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर कोई सेंटेंस तो था नहीं तो फिनाइट वर्ब तो होगा नहीं। अब इसी तरह से मेन वर्ब का कुछ एग्जांपल आप लोग अपने अपने चैट बॉक्स में करो, तो फास्ट रिप्लाई करो फिनाइट वर्ब या मेन वर्ब का कुछ एग्जांपल। बहुत इजी है। हाँ, बहुत स्टूडेंट्स ने रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही कुक, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। वर्क, स्विम, ये सब जो है हमारे मेन वर्ब के कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, तो अगर मैं कहूँ एक सेंटेंस दे रही हूँ तो आप लोग को बताना है कि इसमें मेन वर्ब कौन सा है। ठीक है, आई कुकड डिनर। चलो यहाँ हमारा मेन वर्ब क्या है, डिनर है मेन वर्ब, कुकड है या आई है, बताओ तो स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करो। यहाँ पर हमारा मेन वर्ब क्या है? बिल्कुल सही, कुक्ड। फिनाइट वर्ब हमारा कौन सा है? तो कुक्ड है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग का इसी पे हम लोग बात करेंगे कि इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें तो इन्फिनिटिव क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे ताकि हमारे एग्जाम्स में इन्फिनिटिव को इन्फिनेटिव को छाटने के लिए आए तो हम लोग को सोचना ना पड़े। ठीक है, इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, इन्फिनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं अभी भी बता रही हूँ कि थोड़ा आप लोग देख लोगे ना तो यहाँ पर आसान हो जाएगा। इन्फिनेटिव में हमारा जनरली टू लगा हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, जब भी कोई वर्ब के आगे, तो यहाँ पर टू लव भी हो सकता है इन्फिनिटिव। ए और सी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि टू लव इसमें भी टू आगे लगा हुआ है जो कि इन्फिनिटिव शो कर रहा है। इन्फिनिटिव ही यहाँ पे, ये इन्फिनिटिव भी हो जाएगा। टू लव जो है हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है। ए को हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस तो हमें एक कलर करना होगा, लेकिन अभी कोई स्टूडेंट्स अगर वीक भी कर रहा है तो सही है, इन्फिनिटिव भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर दिया हुआ इन्फिनिटिव, तो मैं बता रही हूँ टू प्ले ऐसे ही लगाओ, टू के वर्ब के पहले टू लगेगा, लगाओ और वो सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे इन्फिनिटिव के। चलिए आप लोग चैट बॉक्स में इसका एक दो एग्जाम्पल दीजिए तो स्टूडेंट्स। चलिए बिल्कुल सही, टू रीड, टू गो, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत आंसर सही किया है। चलिए अब हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट ऑक्सिलरी पे आते हैं। ऑक्सिलरी तो आप लोग जान रहे हैं, चलिए इसका एग्जांपल्स दीजिए तो फास्ट आप लोग। ऑक्सिलरी का एग्जांपल ये तो मैं वर्ब में भी बताई हूँ, चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही, एम इज आर, ये सब आपका ऑक्सिलरी है। तो ऐसा आप लोग को अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे या नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे या नहीं। ये वीक वाला पॉइंट हो गया, फिनाइट मैंने बता दिया, इन्फिनिटिव मैंने बता दिया, ऑक्सिलरी मैंने बता दिया। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट तो आप लोग अपने डाउट्स को जल्दी से आस्क करो। चलो आस्क योर डाउट, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 72 नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, विच वन इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 73 जो है हमारा
विच वन इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट बताना है यानी कि गलत कौन है, ठीक है। इसमें कौन सा सेंटेंस जो है गलत है उसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो हमारा राइट आंसर हमें मिलेगा। ऑप्शन ए, नेदर ही नॉर हिज ब्रदर वेयर देयर, ठीक है। ऑप्शन बी, आइदर यू लीव और सफर पनिशमेंट। पहला क्वेश्चन है, ना ही वह और उसका भाई वहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है, वहाँ पर थे। दूसरा है, आइदर यू लीव, या तो तुम चले जाओ या फिर पनिशमेंट को, जो पनिशमेंट मिल रहा है उसे सफरिंग करो। फिर है आपका ऑप्शन सी, माई होल एम एंड ऑब्जेक्ट इज टू मेक दिस, उसका पूरी तरह से एम जो है इस चीज़ को बनाने में लगा हुआ है। और ऑप्शन डी जो है हमारा, पॉलिटिक्स इंटरेस्ट हिम, उसमें उसको पॉलिटिक्स जो है उसमें इंटरेस्टेड है। तो ऑप्शंस मैंने रीड कर दिए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। 73 का इनकरेक्ट कौन सा है, आप लोग को फास्टली आंसर करना, और आप लोग फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट करो चैट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 73 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस, नेदर ही नॉर हिज ब्रदर वेयर देयर, आइदर यू लीव और सफर पनिशमेंट, माय होल एंड ऑब्जेक्ट इज टू मेक दिस, पॉलिटिक्स इंटरेस्ट हिम। चलिए फास्ट रिप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर किया है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब ये राइट आंसर कैसे है ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ ताकि जो स्टूडेंट्स का इस क्वेश्चन में गलत हुआ हो वो इस चीज़ को समझ सके, ठीक है। तो देखिए, आइदर पहले मैं जो करेक्ट आंसर है उनको छोड़ देती हूँ, उनको पहले समझा देती हूँ कि ये सही है, और लास्ट में बताऊँगी गलत कैसे है वो वाला, ठीक है। तो आइदर यू लीव और सफ़र पनिशमेंट, ये जो है हमारा एक तरह से सेंटेंस जो है करेक्ट है, क्योंकि आइदर और सही एक तरह से लगा हुआ है और यूज़ भी सही है। फिर माई होल एम एंड ऑब्जेक्ट इज़ टू मेक दिस, ये भी सेंटेंस हमारा पूरी तरह से सही है। ऑप्शन डी जो था, पॉलिटिक्स इंटरेस्ट सेम, ये भी सेंटेंस पूरी तरह से सही है। गलत है हमारा ऑप्शन ए, कैसे, नाइदर ही नॉट हिज ब्रदर वेयर कैसे हो गया, यहाँ पर वेयर कैसे होगा, दोनों में से तो किसी एक की बात हो रही है तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर में हम लोग जानते हैं वेयर थोड़ी ना लगता है, यहाँ पर क्या लगेगा, वाज, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या लगेगा आंसर, वाज होगा। तो नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर वाज देयर, दोनों में तो किसी एक की बात होगी ना, तो वो तो वाज लेगा क्योंकि सिंगुलर होगा वहाँ पर वो चीज़। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके हो, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि वेयर में गलती है तो इनकरेक्ट बोल रहा है ना क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन तो इनकरेक्ट क्या ही पूछ रहा है, तो ये वेयर से ही ख़त्म हो गया कि यहाँ पर लगेगा क्या, वाज, यहाँ पर क्या होगा आपका, वाज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 आप लोग समझ गए हो अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 73 आप लोग समझ गए हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 73 का, एक बार चैट बॉक्स में लिखो तो सब। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम लोग आज अपने 3 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट किए, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया मैंने, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 73 अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, तो कौन कौन से स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एकदम एक्साइटेड है कि कौन सा क्वेश्चन होगा और कौन कौन से स्टूडेंट उसे सही करोगे, चलो फास्ट रिप्लाई करो। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हो क्वेश्चंस को लेकर, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स को दिखाओ भाई, देखते हैं क्या है, क्लाउज को लेकर है, ओह चलो क्लाउज को लेकर है, क्लाउज। तो इसमें क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्लाउज इज प्रेजेंट इन, जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 पे हम लोग आ गए हैं। What kind of clouds is present in he ran so fast that he was out of breath? ठीक है, यह है हमारा क्वेश्चन।
अब आप लोग को इसमें क्या सेलेक्ट करना है ये मैं बता रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। वाट काइंड ऑफ क्लाउज इज प्रेजेंट इन ही रैन सो फास्ट डैट ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, वो इतनी तेजी से दौड़ा कि वो आउट ऑफ ब्रीथ हो गया। तो देखो, ए ऑप्शन ए पर्पस, ऑप्शन बी कंसिक्वेंस, ऑप्शन सी कंडीशन और ऑप्शन डी कंपैरिजन। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लाउज हम उसे बोलेंगे ना स्टूडेंट्स जो कि जिसके पास सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं और प्रेडिकेट होते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे। What kind of clause is present in he ran so fast that he was out of breath? So देखिए, ये आप लोगों ने कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बोला ही रैन सो फास्ट डैट ही वाज आउट ऑफ ब्रीथ, ये पर्पसली तो कोई करेगा नहीं, ठीक है। ये कंडीशन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा है, तो बचा हमारा कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस यहाँ पर सो हो रहा है ही रैन सो फास्ट डैट ही वाज आउट ऑफ ब्रीथ, ठीक है। यहाँ पर आपका हमारा क्या सो कर रहा है, कंसिक्वेंस सो कर रहा है, ठीक है। अब कंसिक्वेंस का मतलब क्या होता है इसमें, इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम किसी चीज़ को करते हैं और उसके बाद रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे कि अगर हम बोले ही रैन सो फास्ट, उसने उस चीज़ को वो दौड़ा तब तो उस आउट ऑफ ब्रीथ हो गया, अगर वो नॉर्मली दौड़ रहा होता तो आउट ऑफ ब्रीथ नहीं होता। तो यहाँ पर अगर वो तेज़ी से दौड़ा, यहाँ पर वो रन किया, तब वो आउट ऑफ ब्रीथ हुआ, एक रिजल्ट हमारा मिला कि आउट ऑफ ब्रीथ हुआ वो दौड़ने की वजह से। तो यहाँ पर हमारा सो होता है कंसिक्वेंस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर हमारा सो हो रहा है, ही रैन सो फास्ट डैट ही वॉज आउट ऑफ ब्रीथ। नतीजा यहाँ अगर हम इसका बात बोले तो ये होगा हमारा नतीजा, परिणाम जो बोल दो आप लोग, यहाँ पर ये होगा कंसिक्वेंस का मतलब, ठीक है। और यहाँ पे पर्पसली कुछ होता तो वो मैं बता देती कि पर्पसली हुआ है, फिर यहाँ पर कंपैरिजन होता तो मैं बताती कि कंपैरिजन हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए हो अच्छे से, क्या इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझ गए हो। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन देती हूँ आप लोग को बताना है कि ये क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, सी इज अ स्मार्टर देन आई एम। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि पर्पसली होगा, कंसिक्वेंस होगा, कंडीशन होगा या कंपैरिजन होगा। चलिए फास्ट रिप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा, सी इज अ स्मार्टर देन आई एम, ये इसमें कंसिक्वेंस होगा, कंडीशन होगा कंपैरिजन होगा या पर्पस होगा। चलिए फास्ट रिप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। सी इज स्मार्टर देन आई एम, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, इट इज द कंपैरिजन क्लाउज, सी इज स्मार्टर देन आई एम, ऑप्शन डी कंपैरिजन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, आप लोग इसी तरह से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, यहाँ पीपीआई ट्यूटोरियल में आप लोग के कॉन्सेप्ट को मजबूत किया जा रहा है। ये नहीं कि क्वेश्चन को हम लोग बता देते हैं कि हाँ भाई इसमें ऑप्शन बी होगा, इसमें ऑप्शन डी होगा, इसमें ए होगा,
तो यहाँ पर आप लोग समझ जाते हो, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सॉल्व कर पाते हो। यही मेन रीज़न है पीपीआई ट्यूटोरियल से रिजल्ट्स के होने का, क्योंकि पीपीआई ट्यूटोरियल में जितने भी टीचर्स हैं वो आंसर्स को याद नहीं करवा रहे, उसको सॉल्व करने को सिखा रहे हैं। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन अगर हमारा क्वेश्चन पैटर्न में अगर वैसा सेम क्वेश्चन आ जाएगा, पैटर्न सेम रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे आप लोग। इसीलिए हम लोग के चैनल से रैंक कितना बेस्ट स्टूडेंट्स का आता है जब वो रिजल्ट शो करते हैं, तो ये कितना प्राउड मोमेंट होता है हमारे चैनल के लिए। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने जूनियर्स को या जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, सारे स्टूडेंट्स तक ये सारे चैनल्स का जितना भी तैयारी करवाया जा रहा है इसके बारे में बता दो, ताकि वो लोग भी पेड कोर्स को परचेज कर लें, आप लोग थ्योरी को और अपना स्ट्रांग कर सको, तो इसी के थ्रू आप लोग कर सकते हो। अभी मैंने ये दो तीन क्वेश्चंस करवाए, कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आप लोग कितने अच्छे से सॉल्व कर लेते हो। हाँ, कि ये इसका आंसर राइट आंसर ये हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैंने क्या किया, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि हाँ देखो ऐसा क्यों होगा, इसका रीज़न मैंने बताया कि इसका कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको और आप लोगों ने राइट आंसर किए। तो यही सब मेन रीज़न है रिजल्ट्स के होने का। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्या है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। चलो भाई ये भी, विच विल बी द राइट चॉइस फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स ही लिव्स दिल्ली, ब्लैंक्स दिल्ली, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 75 है। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी इनटू, ऑप्शन डी बाय। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। फास्ट स्टूडेंट्स रिप्लाई कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। ही लिव्स ब्लैंक्स दिल्ली का इसका राइट आंसर। यहाँ दिल्ली के पहले आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे? क्वेश्चन नंबर 71 में आपको प्रीपोजिशन फिलअप करना है। क्वेश्चन हमारा है ही लिव्स दिल्ली, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इन, एट, इनटू, बाय। चलिए आप लोग फास्ट रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल फास्ट रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन ए। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, आप लोग इसी तरह से आंसर्स करो ताकि हम लोग को भी बहुत अच्छा फील हो कि हाँ अब स्टूडेंट्स का आंसर सही आने लगा है, कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार का गलती नहीं करते हैं अब। बहुत अच्छा आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया क्वेश्चन नंबर 75 का। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देती हूँ, चलो एक और क्वेश्चन सेम पैटर्न है, ठीक है, आप लोग को आंसर करना होगा। चलो ये चीज़ मैं दे रही हूँ, चलो देखती हूँ कौन कौन से स्टूडेंट सही आंसर करते हैं। वाटर, प्रीपोजिशन ही फिलअप करना है, ऑप्शन सेम है। ओके, आपके ऑप्शन सेम है, आप लोग को अब सॉल्व करना है। वाटर टर्न्स ब्लैंक्स आइस, यहाँ पर आपको एक आंसर सही प्रीपोजिशन फिलअप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, आप लोग फास्टली रिप्लाई कीजिए। वाटर, ये 75 का एक एडिशनल क्वेश्चन मैंने दिया है, 75 का तो ऑप्शन इन हो गया, वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग सेम क्वेश्चन पैटर्न पर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रीपोजिशन फिलअप करना है आप लोग को। वाटर टर्न्स ब्लैंक्स आइस, वाटर टर्न्स ब्लैंक्स आइस। बिल्कुल आप लोग आंसर कीजिए, आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, मैं आप लोग को देखना चाहती हूँ कि आपका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75 जैसे सॉल्व किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 75 के एडिशनल क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग फास्ट स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही आप लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर किया, ऑप्शन सी
वाटर टर्न्स इंटू आइस, ये आपका इंटू जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 मैंने सॉल्व करवा दिया, ये एडिशनल क्वेश्चन था, तो एक बार ऑप्शंस आपके सेम थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इन हिज हर्ट वॉज प्योर, क्वेश्चन नंबर 76, इन हिज हर्ट वॉज प्योर हिज लाइफ सीरीन द रिप्रेजेंट्स। देखो यहाँ पर ये जो हमारा है, ये यहाँ पर ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 में इन हिज हर्ट वॉज प्योर, ये समझ लो एक तरह से ये दिया हुआ है कि यहाँ पर कौन सा यूज़ करोगे, फुल स्टॉप यूज़ करोगे, कॉमा यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, सेमी कॉलोन यूज़ करोगे या कोलोन यूज़ करोगे। तो ये आप लोग को ये क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा द और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जो ये हमारा यहाँ पर, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, फुल स्टॉप को शो कर रहा है, कॉमा को शो कर रहा है, सेमी कोलोन को शो कर रहा है या कोलोन को शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, ठीक है। चलिए अब आप लोग फास्टली रिप्लाई कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो सेमी कोलोन जो होता है हमारा क्या होगा यहाँ पर, आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 76 बिल्कुल सही आप लोगों ने, राइट आंसर सेमी कोलोन इज द राइट आंसर। इन हिज हर्ट वॉज प्योर, यहाँ पर जो है हमारा इन हिज हर्ट वॉज प्योर हिज लाइफ सीरीन, सेमी कोलोन मतलब यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, कोलोन का मतलब ऐसे होता है, कॉमा का मतलब ऐसे होता है ऐसे, फुल स्टॉप का मतलब ऐसे, ठीक है। इन हिज हर्ट वॉज प्योर, अब हम लोग देख लेते हैं एक बार जरा सा, ये जो है हमारा यहाँ पर यही हुआ हमारा सेमी कोलोन, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट, फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ करोगे, जहाँ पर सेंटेंस पूरी तरह से ख़त्म हो रही हो, कॉमा का यूज़ जहाँ पर हमें थोड़ी देर रुकना हो, सेमी कोलोन मैंने बता दिया, कोलोन ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल के टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये उसी समय हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारा अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 76 को अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर करो कोई भी क्वेश्चन में ऊपर तक। चलिए फास्ट अपने डाउट्स को चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूँगी। नहीं है कोई डाउट, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो फिर सेशन लेने का इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। आप लोग अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो, फास्टली पूछ लो, मैं मना थोड़ी ना करूंगी। एनी डाउट, क्या हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। किन किन स्टूडेंट्स का अभी तक बहुत सही जा रहा है, जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ उसके सब सही आंसर्स आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं रिप्लाई करो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 77, विच इज नॉट एन एंटोनीम ऑफ राइप। क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, विच इज राइप यहाँ पर जो है मतलब होता है कच्चा, तो कौन सा जो है वो राइप का एंटोनीम नहीं है, यानी कि राइप का एंटोनीम राइप मतलब हो गया, सॉरी राइप है यहाँ पर हमारा ये, विच इज नॉट एन राइप एंटोनीम ऑफ राइप। राइप का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कच्चा नहीं, यहाँ पर एंटोनीम ही मैंने बता दिया, सॉरी राइप मतलब होता है पका हुआ, पका हुआ, ठीक है। अब आप लोग को बताना है विच इज़ नॉट एन एंटोनीम ऑफ राइप, विच इज नॉट एन एंटोनीम ऑफ राइप। रॉ ऑप्शन आपका ए है रॉ, ऑप्शन बी है इमेच्योर, ऑप्शन सी है अनडेवलप्ड, ऑप्शन डी है स्टिफ। चलिए आप लोग अपना राइट आंसर कीजिए, किसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 77 का। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, फास्टली रिप्लाई कीजिए। विच इज नॉट एन एंटोनीम ऑफ राइप, राइप का मतलब होता है पका हुआ, तो यहाँ पर एंटोनीम पूछ रहा है कौन सा एंटोनीम नहीं है राइप का, यानी पका हुआ का एंटोनीम कौन नहीं है। ऑप्शन ए है रॉ, ऑप्शन बी है इमेच्योर, ऑप्शन सी है अनडेवलप्ड, ऑप्शन डी है स्टिफ। चलिए आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है ऑप्शन डी, और स्टिफ जो है यहाँ पर राइप का एंटोनिम नहीं है, क्योंकि रॉ मीन्स भी कच्चा होता है, इमेच्योर यानी मैच्योरिटी नहीं आई है, इमेच्योर यानी यहाँ पे भी वही सेंस है हमारा, अनडेवलप्ड इसका भी मतलब वही हुआ, स्टिफ जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का, स्टिफ इज द राइट आंसर। विच इज नॉट एन एंटोनीम ऑफ राइप, रॉ तो होगा, इमेच्योर भी होगा, अनडेवलप्ड भी होगा, स्टिफ इज द राइट आंसर, क्योंकि स्टिफ जो है राइप का एंटोनीम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, एनी डाउट इस क्वेश्चन को लेकर, कोई डाउट है आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं हम। विच इज नॉट एन एंटोनीम ऑफ राइप, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? नॉट यहां पर देख लिया कीजिए, जब यहां पर देखना हो तो अच्छा से एक बार, नॉट लगा हुआ है, इनकरेक्ट है, ये सब चीज़ क्वेश्चन को ट्विस्टेड किए जाते हैं, इसलिए ये सब चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दिया कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। थोड़ा क्वेश्चन को एक बार रीड करने के बाद नहीं समझ में आए, आप अगेन उसे रीड करो कि हाँ क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, अगेन रीड करो, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की ओर मूव कर रहे हैं। दिस इज अ साइनोनिम ऑफ सैंक्शन, सैंक्शन का साइनोनिम पूछ रहा है, ठीक है। सैंक्शन का मतलब होता है यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ रहता है, इसको हम लोग अगर कहें तो मंजूरी, ठीक है, स्वीकृति, अनुमति देना, तो ये हुआ हमारा इसका हिंदी अगर मैं बोलूँ तो अनुमति। ऑप्शन ए अप्रूवल, ऑप्शन बी नॉर्मल, ऑप्शन सी ऑक्शन, ऑप्शन डी रायोट। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 78 का। स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या होगा।
बिल्कुल सही, अप्रूवल इज़ द राइट आंसर। अप्रूवल जो है हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर है, सैंक्शन अनुमति देना, अप्रूव करना, सेम आंसर होगा। बहुत सही, आप लोग बहुत सही आंसर कर रहे हो स्टूडेंट्स। इसी तरह जब आप आंसर करते हो तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता है कि स्टूडेंट्स अब राइट आंसर्स दे रहे हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूँ या ऐसा ही क्वेश्चन और करवा दूँ। साइनोनिम वाला बहुत सारा क्वेश्चन सेम आ रहा है, तो क्या इसको सॉल्व फिर से करवाऊँ एक आध क्वेश्चन और देकर, या आप लोग समझ गए हो? ठीक है, तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन नॉर्मल है, ये आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक और क्वेश्चन ऐसा ही दे देती हूँ। आपको बताना है साइनोनिम ऑफ, कोई भी साइनोनिम आप दे दोगे, ठीक है, साइनोनिम ऑफ, जस्ट अ सेकेंड मैं बता देती हूँ, साइनोनिम ऑफ आपको बताना है यहाँ पर, आपको मैं क्वेश्चन बस आपको एक आंसर बताना है कि हाँ इसका एक भी कोई भी बता देना तो मैं समझ जाऊँगी कि आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, चलो बिफोर का कोई भी बता दो, बिफोर का साइनोनिम कोई भी एक दो बता दो, बस इसका साइनोनिम्स एक दो आ जाएंगे तो याद रहेगा कि बिफोर का साइनोनिम क्या होगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत सही आंसर कर रहे हो। अर्लियर भी हो सकता है, हाँ अर्लियर होगा, ठीक है, सूनर भी होगा, बिल्कुल सही, अर्लियर, सूनर, अहेड भी होगा। चलो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 78 समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। विच इज करेक्टली स्पेल्ड हेरिडेटरी, ऑप्शंस देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 79, हेरेडिटेरी ऐसे समझ लो, क्या होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, या ऑप्शन डी सही है? इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आप लोगों ने किया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हेरेडिटेरी। ऐसे सॉल्व करो तो आसान से पेपर सॉल्व हो जाएगा, हेरेडिटेरी। ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नहीं है कोई डाउट, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। ये तो बहुत इजी है, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, हैज द फॉलोइंग टेंस, कौन सा टेंस है का एग्जांपल है, सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, या पास्ट परफेक्ट का? चलिए स्टूडेंट फास्ट रिप्लाई करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? टू एंड टू मेक्स फोर, हैज द फॉलोइंग टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सही, सिंपल प्रेजेंट इज द राइट आंसर, सिंपल प्रेजेंट का है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सब तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत सही भी किए हैं, बहुत अच्छी बात है, सिंपल प्रेजेंट, बहुत अच्छी। चलिए आज का हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इस चीज़ का रिप्लाई तो मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगी, और किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो पहले आप लोग अपने डाउट्स पूछो,
चलो फास्ट में, अभी अभी हमारा सेशन ऑन है, तो आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर करो। किसी भी चैनल पर आप लोग को डाउट्स पूछने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप लोग अगर डाउट्स नहीं पूछते हो तो ऐसा होगा, रीज़न ये होगा, या तो मैं पढ़ाती हूँ तो आप लोग समझ जाते हो तो आप लोग के पास आपके डाउट्स नहीं होते हैं, ये भी रीज़न हो सकता है, और या ऐसा रीज़न होगा कि आप लोग पूछना नहीं चाहते हो। क्यों क्यों पूछना नहीं होता है? अगर आप लोग का डाउट्स रह भी जाता है तो पूछना क्यों नहीं है? डाउट पूछने से और हमारा माइंड क्लियर होता है उस सब समय। ओके, तो क्या डाउट्स है नहीं या पूछना नहीं चाहते हो? रिप्लाई करो तो फास्ट, कि आप लोग के पास डाउट्स में क्लियर हो जाते हैं सेशन को कंप्लीट करने के बाद, आप लोग के डाउट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं सेशन कंप्लीट होने के दौरान ही आप लोग का डाउट्स क्लियर हो जाता है, ऐसा है क्या? ओके, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ये हमारे लिए पॉजिटिव, हम मुझे वो दे रहा है वाइब्स, मुझे पॉजिटिव वाले दे रहा है कि हाँ स्टूडेंट्स को डाउट्स नहीं रहता है, ये बहुत अच्छी बात है। सो आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से सॉल्व किया क्वेश्चन, और किस स्टूडेंट्स ने कितने सही किए 10 में से 9 तो पक्का होना है। मुझे मालूम है कि बहुत ईजी, कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड थे, पर कोई बात नहीं। आप लोग के कितने मार्क्स आए, अगर ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में होता तो आप लोग सॉल्व कितने करते? 10 out of 9 कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, 10 out of 8 कौन है, कौन 7 है, ये सारे चीज़ का रिप्लाइज़ मुझे कमेंट बॉक्स में देना, मैं आप लोग के सारे रिप्लाइज़ को रीड करती हूँ, ताकि मुझे भी कुछ, अगर आप लोग को कैसा क्लास रहा इसका भी पूरा आप लोग अपना वो फीडबैक अपना देना है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यही ख़त्म हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर होल सेशन, आप लोगों ने बहुत अच्छे मेहनत किया। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट, आप लोग अपने जूनियर्स के साथ इसे शेयर करो, और जो भी स्टूडेंट्स पेड कोर्स नहीं लिए हैं, पेड कोर्स अगर परचेज कर सकते हो, बहुत मिनिमम अफोर्डेबल अमाउंट रहता है, आप लोग परचेज करो ताकि आप लोग की थ्योरीज भी जल्द ही क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम और अच्छे से तैयारी करो ताकि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सके। सो आज का जो हमारा सेशन है इसे लाइक करना ना भूले, जो भी स्टूडेंट्स लाइक नहीं किए हो, बाद में सेशन को ज्वाइन किए हो, लाइक इट और कमेंट में अपना फीडबैक दो कि क्लास कैसा रहा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।